घट स्थापना के साथ ही रविवार से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। शहर में करीब 20 जगह दुर्गा महोत्सव की धूम है। घट स्थापना के साथ ही शहर के अगुणा मोहल्ला में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। वार्ड के ही रवि दाधीश ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से अगुणा मोहल्ला समिति द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। दाधीश ने बताया कि खास बात यह है कि यहां मां के 9 दिन 9 रूप देखने को मिलेंगे और हर दिन बंगाल के विशेष कलाकारों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। दाधीच ने बताया कि बाहर से आए कलाकारों द्वारा मां का भव्य दरबार सजाया जाएगा। अशोक तंवर ने कहा कि दुर्गा पूजा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तगण सुबह शाम पूजा आरती में भाग लेते हैं। अष्टमी को यज्ञ हवन जागरण व नवमी को कन्या पूजन व विसर्जन किया जाता है। आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि शारदीय नवरात्र का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। आस्था और भक्ति की ये 9 दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पंडाल को भव्यता देने के लिए उन्होंने कोलकाता और दिल्ली से विशेष सामान मंगवाया है। दुर्गा पूजा है ये विशाल तरीके से हम लोग मनाते हैं। हर वर्ष पिछले 15 वर्षों से लगातार अनवरत जारी है और इस बार की जो विशेषता मैं आपको बताऊं कि इस बार पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की जो झांकियां है वो यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। हमने बाहर से बहुत सारे कलाकारों को बुलाया है, जो पारंगत कलाकार हैं वो लगातार 9 दिन झांकियों के माध्यम से और सभी लोगों को एक भक्ति भाव का संचार उनके अंदर करेंगे। पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर के और सब मिलजुल कर हम ये दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। मोहल्ला में अगुणा मोहल्ला समिति की तरफ से हर वर्ष पिछले 15 वर्षों से हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 9 दिन का नवरात्रि का आयोजन रहता है। अभी सब लोग माँ की मूर्ति लेने के लिए अभी गए हुए हैं और अच्छी तरीके से और पूरे हर्षोल्लास से मोहल्ले को मोहल्ला ये दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं।